भारत के चार धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। आज हम आपको रामेश्वरम धाम से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप भी अपने जीवन काल में रामेश्वरम धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गया। यहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थर के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची वह वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। अगर आप इसके प्रवेश द्वार को देखेंगे तो यह 40 फुट ऊंचा है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक और पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। इन अद्भुत खंभों को देखकर देश विदेश से आए सैलानी दंग रह जाते हैं। यहाँ के मंदिर का तीसरा प्राकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के बारे में एक सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का है, वह वास्तव में एक टीला है और उनमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नाव में लादकर लाए गए हैं। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना की। जब श्री राम रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर रुककर प्रथम विश्राम किया था। उनके साथ सीता तथा अन्य सभी गण भी थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां दर्शन के लिए पहुंचे और उन सभी ने श्री राम से कहा कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। श्री राम जी ने ऋषियों से आग्रह किया कि आप लोग कृपा करके बताने का कष्ट करें कि इस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है। उन ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद श्री राम को बतलाया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग का पूजन करने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की सभा में उपयुक्त निर्णय होने के बाद श्री राम जी ने महावीर हनुमान को आदेश दिया कि आप कैलाश से शिवलिंग लेकर आइए। श्री हनुमान जी शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, किंतु वहां शिव का दर्शन नहीं मिला। हनुमान जी ने कैलाश पर दर्शन पाने हेतु भगवान शिव का ध्यान पूर्वक तप किया। उनके आराधना से प्रसन्न शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद शंकर जी से लिंग प्राप्त करके वह पुनः गंधमादन पर्वत पर वापस पहुंच गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफी देर लग चुकी थी। मुहूर्त के बीत जाने की आशंका से तथा समय पर लिंग लेकर हनुमान जी के ना पहुंचने के कारण ऋषियों ने मुहूर्त के अनुसार श्री राम जी से लिंग स्थापना करने की प्रार्थना की। माता सीता ने विचार करते हुए विधि पूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। महावीर हनुमान जी ने जब देखा कि लिंग की स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने स्नेह पूर्वक हनुमान जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उनके आने से पहले ही लिंग स्थापना हो जाने का कारण समझाया। कारण बताने पर भी जब हनुमान जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई तो श्री राम जी ने कहा, तुम इस स्थापित लिंग को उखाड़ दो और मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए लिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर देता हूँ।
श्री राम जी की बात सुनकर हनुमान जी उस स्थापित लिंग को उखाड़ने के लिए झपट पड़े। श्री हनुमान जी उसे उखाड़ने के लिए बड़ा जोर लगाते रहे और अंत में स्वयं धक्का खाकर 3 किलोमीटर दूर जा गिर पड़े और काफी समय तक मूर्छित पड़े रहे। बहुत देर के बाद हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। जब हनुमान जी की दृष्टि श्री राम जी के अंग पर पड़ी तो उन्हें साक्षात परब्रह्म के रूप में दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई और वे झट से श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भाव विवल होकर भगवान राम की स्तुति की। श्री राम जी ने समझाते हुए कहा कि तुमसे भूल हो गई जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को दुनिया की सारी शक्ति मिलकर भी नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त पर कृपा करते हुए भगवान श्री राम जी ने उनके द्वारा कैलाश से लाए गए लिंग को वहीं समीप में स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम जी ने उस लिंग का नाम हनुमद्रेश्वर रखा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में एक साधु की देखरेख में था। इसके बाद सदी दर सदी इसकी संरचना की गई। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 12वीं सदी में श्री रामनाथ स्वामी, श्री विश्वंथर और श्री विशलकश के चारों ओर गर्भगृह का निर्माण किया। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जो लिंगम है उसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह धर्म और आस्था की मिसाल है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं जो मनुष्य परम पवित्र गंगा जल से भक्ति पूर्वक रामेश्वरम शिव का अभिषेक करता है अथवा उन्हें स्नान करवाता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आपने रामेश्वरम धाम के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो से जुड़ी कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।